तो इस वीडियो हम बात करेंगे डिक्री कॉइन DCR कॉइन की प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंट इसकी प्राइस 51 USDT से ऊपर देखने को मिल रही है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करंट इसकी प्राइस में देखने को मिला है। कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसकी प्राइस में 160% से ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला है। 27 USDT वाले एरिया से इसने 70 USDT वाला एरिया टच किया और अभी करेंटली 51 USDT पर यह कॉइन ट्रेड कर रहा है। आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है, आपने अगर इस कॉइन को बाई किया है, करंटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से आपके लिए टारगेट्स रहेंगे एज अ ट्रेडर, जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके लिए क्विक सेल टारगेट क्या रहेंगे, कहाँ पर आपको सेल आउट करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, आने वाले दिनों में कहाँ तक इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपने अभी तक CoinD6 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से CoinD6 ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपीज़ का इथेरियम एज अ साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके पर रेफरल 300 रुपीज़ का शिबा इनू टोकन अर्न कर सकते हैं। तो सेफेस्ट एक्सचेंज भी है, आपको पता है कि दूसरे एक्सचेंजेस पर रेड वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हो रही हो, थोड़ा सेफ फील नहीं होता वहाँ पर। बाकी CoinD6 में अभी तक इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। अभी ये कॉइन 51 USDT से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। यहाँ पर 15 मिनट में लगातार हमें अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली रेगुलर बेसिस पर। वहाँ पर 27 USDT से ने 70 USDT वाला एरिया टच किया लगातार। यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम 15 मिनट के चार्ट में हमें बाय वॉल्यूम देखने को मिला। डेली के अंदर अगर बात करें तो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक हैवी ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला और एक अच्छे खासे एरिया पर ये करंटली ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 53-52 के अराउंड में क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर इसको अभी करंटली 46 USDT वाला एरिया सपोर्ट एरिया, 200 डेली मूविंग एवरेज वाला एरिया है ये वाला एरिया, इसको इसने क्रॉस किया, सिंगल डे में क्लोज किया और अभी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज की जो क्लोजिंग वो कहाँ पर होती है और फिर नेक्स्ट 2-3 दिन कहाँ पर ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इससे नीचे की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको जो 100 डेली मूविंग एवरेज वाला एरिया है, ये 32 USDT ये सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर बीच में ऑलमोस्ट 39-40 USDT ये वाला एरिया भी इसको सपोर्ट एरिया है, जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर जब डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिला उस टाइम पे और यहाँ पर इसको ऑलमोस्ट जो 32 USDT वाला सपोर्ट एरिया ये रेगुलर बेसिस पर इस टाइम पे मेंटेन किया था, जब 19 USDT वाला लो बनाया था उससे पहले 32 USDT इसको सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर जब लो बनाया है तब इसको ऑलमोस्ट 21 USDT सपोर्ट देखने को मिला, जिस एरिया को इसने बहुत टाइम तक मेंटेन किया। अब जिन लोगों ने एंट्री ली है, अंडर 30 USDT पर एंट्री ली है, उनको करेंटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट, करेंटली 75-80% का प्रॉफिट अभी भी देखने को मिल रहा होगा और जिन्होंने 60 USDT से ऊपर सेल आउट किया उन्होंने 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया है। तो जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर एंट्री ली है उनके लिए टारगेट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इसने 70 को ट्राई किया, फिर नीचे की तरफ प्राइस देखने को मिली 50 पर स्टेबिलिटी, फिर ऊपर की तरफ वापस 55-56 को दो बार ट्राई कर चुका है। तो ये ऑलमोस्ट इस एरिया को 2-3 बार और ट्राई करेगा, 56-58 या 60 को भी ट्राई कर सकता है। तो हमारे लिए टारगेट की अगर बात करें तो 55 USDT टारगेट रहेगा एज अ ट्रेडर, जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके लिए टारगेट की अगर बात करें तो 55 USDT टारगेट रहेगा, जहां पर आपको 80% पार्ट सेल आउट करना है। जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर एंट्री ली है, जितने भी आपके पास DCR कॉइन है उसके 80% पार्ट आपको 55 USDT पर सेल आउट करना है। उसके बाद अगर ये 60 से ऊपर ट्राई करता है, यहाँ से इसको 57 USDT रेजिस्टेंस एरिया है जिसको इसने 15 मिनट के चार्ट में भी हमें फेस करने को मिल रहा है, तो 55 USDT पर आपको 80% पार्ट सेल आउट करना है। उसके बाद अगर ये 62 USDT को ट्राई करता है तो वहाँ पर बाकी जो 20% पार्ट है वो सेल आउट करना है। 20% पार्ट वही लोग बचा के रखें जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये अंडर 60 USDT ही देखने को मिलेगा। बाई चांस अगर प्राइस जाती है तो आप सेल आउट कर सकते हैं। 20% वो पार्ट है जिसके लिए आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, नॉर्मल रिस्क आपको पता है लेकिन उससे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि बाई चांस प्राइस वहाँ चली जाती है तो, लेकिन चांसेस उसके कम ही रहते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका 55 USDT, सेकेंड टारगेट 62 USDT,
80% पार्ट 55 यूएसडीटी पर सेल आउट करें, उसके बाद बाकी जो 20% पार्ट है वो 62 यूएसडीटी पर सेल आउट करें। इस टाइप से आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो नॉर्मली 100% का हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से जिन लोगों ने एंट्री ली है उनकी अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी अगर 70 यूएसडीटी से ऊपर जाता है, 70 यूएसडीटी अच्छा टारगेट था, वहाँ पर जिन लोगों ने सेल आउट किया अच्छी बात है, जिन्होंने सेल आउट नहीं किया है, अब जब भी प्राइस 80 यूएसडीटी जाती है वहाँ पर सेल आउट करें शॉर्ट टर्म वाले। यहाँ से इसको 57 यूएसडीटी के बाद 68 यूएसडीटी रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद 82 यूएसडीटी, तो 80 यूएसडीटी जब प्राइस जाती है वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से जिन लोगों ने एंट्री ली है वो सेल आउट करें, सेल लिमिट लगा के रखें, जब भी प्राइस वहाँ जाती है आपका हिट करेगा और सेल आउट हो जाएगा। उसके लिए आपको चार्ट्स वगैरह रेगुलर बेसिस पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको मिनिमम 6 to 8 मंथ के अंदर इसकी प्राइस 200 यूएसडीटी से ऊपर देखने को मिल जाएगी, जहां तक आपको बाइंग प्राइस से, आपकी बाइंग प्राइस से 6 to 7x से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर 1 ईयर की बात करें तो वहां पर भी आपको इसकी प्राइस 300 यूएसडीटी देखने को मिल जाएगी। 6 यूएसडीटी पर कॉइन की बिनांस पर लिस्टिंग हुई थी, 247 यूएसडीटी इसने हाई बनाया था और अभी करेंटली 30 यूएसडीटी पर आ गया था। ऑल टाइम हाई से लोवेस्ट प्राइस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो जो बाइंग प्राइस है वो अच्छी सेफ एरिया पर आपने बाई किया है और अच्छे एरिया पर इसकी स्टेबिलिटी भी हमें प्रीवियसली देखने को मिली थी। इस एरिया से ज़्यादा कोई ब्रेकआउट नहीं था, एक बार ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 21 यूएसडीटी से, इसने 32 को ट्राई किया था, 50% का ब्रेकआउट था, लेकिन अभी का जो ब्रेकआउट है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहें। थैंक यू।